हर हर महादेव। जिला भिंड मध्य प्रदेश से एक युधिष्ठिर सिंह भदौरिया जी हैं और उन्होंने प्रश्न किया है। उनका प्रश्न है कि परमाणु से लेकर युगों के मध्य की जो काल गणना है उसे आज के आधुनिक भाषा में बतलाने की कृपा करें। ये पूछना चाहते हैं कि जैसे ये जो काल गणना शास्त्रों में बतलाई गई है, समय की माप बतलाई गई है, तो वो आधुनिक समय के हिसाब से बतलाएं कि आज उसको क्या कहेंगे, किस तरीके से उसको समझा जा सकता है। तो देखिए भदौरिया जी, ऐसा है कि जितनी सूक्ष्म गणना और जितनी बृहत गणना शास्त्रों में काल की गई है उतनी गणना वर्तमान में नहीं की गई है। इतने सूक्ष्म से उठाई है जिनके लिए कोई समय नहीं है। यहां समय कहां से शुरू होता है? मिनी सेकंड, सेकंड से, घंटे दिन महीने और वर्ष में समाप्त हो जाता है, वर्ष तक समाप्त हो जाता है ये जो है समय। पर ये यहां जो समय है वो बहुत सूक्ष्म से है और आगे तक है। तो जहां इनका कोई शब्द नहीं होगा अपना, तो वहां हम इनके ही शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये तो काल रूप भगवान ही है ना स्वयं। काल माने समय, और समय काल ये भगवान का ही स्वरूप है। वो गीता में कहते हैं ना, मैं ही काल हूं जो है और लोक का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धा। तो इस तरीके से देखिए शास्त्रों में बतलाया गया है, हमारे यहां कोई भी काल गणना करें या स्थूल गणना करें वो सब आजकल सूक्ष्म रूप से जहां से भी देखेंगे तो परमाणु से शुरू होती है, है ना। विज्ञान लोग भी परमाणु तो मानते ही। तो परमाणु क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि जालांतर गते भानव यत सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य भागो ही षष्ठो या परमाणु स उच्यते। ये जो किसी झरोके से जब सूर्य की रश्मि किसी कक्ष में आती है तो वहां उड़ते हुए धूली के सूक्ष्म कण नजर आते हैं, उन सूक्ष्म कण का जो है छठा भाग जो होता है वो ही परमाणु कहलाता है। और जो वो दिखाई देता है वो प्रथमम तत् प्रमाणा नाम त्रिसरेणु प्रचक्षते, उसका नाम तो त्रिसरेणु है, और उसका छठा भाग कर देंगे तो उसको कहेंगे परमाणु। परमाणु की दूसरी व्याख्या यूं भी समझ सकते हैं कि जिसका फिर कोई भी भाग विभाजन न किया जा सके उसको परमाणु कहते हैं। अणु और दो परमाणु से आद, और दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनता है, और तीन अणु मिलकर के एक त्रिसरेणु बनता है जो वहां दिखाई दे रहा था। ये विवरण श्रीमद् भागवत में और मनुस्मृति में भी ये दिया गया है, अणु परमाणु का विवरण। अब देखिए तो वो त्रिसरेणु होता है और तीन त्रिसरेणु को मिलकर के एक त्रुटि बनती है, त्रुटि। और तीन त्रिसरेणुओं को पार करने का सूर्य का जो समय है, तीन त्रिसरेणु को जो पार करने का जो समय है वो त्रिसरेणु त्रुटि काल कहलाता है। यानी कि वो सूक्ष्म जो अणु से बना हुआ वो त्रुटि है, वो जो त्रिसरेणु है, तो तीन त्रिसरेणु को मिलकर के एक जो अंश बनेगा उसको सूर्य को पार करने में जो समय लगता है उसको एक त्रुटि काल कहते हैं, त्रुटि। और सौ त्रुटि का एक वेद होता है, सौ त्रुटियों का एक वेद होता है, उसको वेद कहा जाता है। तीन वेद का एक लव होता है ना, लव मात्र में लव, तो तीन वेद का एक लव होता है, और तीन लवों का एक निमेश होता है। निमेश माने होते हैं पलक झपकना, पलक झपक करके नीचे के पलक का स्पर्श करते हैं और फिर हट जाते हैं। जितनी देर तक उनका स्पर्श रहता है, छुए रहते हैं, ये उसी का नाम है निमेश। तो वो तीन लवों का एक निमेश होता है, और तीन निमेशों का एक क्षण होता है,
तीन निमेशों का एक क्षण, और एक क्षण को कह सकते हैं कि पौन मिनट, पौन सेकंड। एक क्षण का नाम है, एक सेकंड में थोड़ा कम है, उसका एक सेकंड नाम है, उसको संस्कृत में एक क्षण कहते हैं। थोड़ा सा मिलता जुलता, थोड़ा सा कम है एक सेकंड, और वैसे क्षण के बराबर ही, क्षण क्षण मात्र में। पांच क्षणों की एक काष्ठा होती है, पांच क्षणों की एक काष्ठा, यानी कि चार सेकंड, चार सेकंड कहें और पांच काष्ठा, पांच क्षण कहें या एक काष्ठा कहें, बराबर है। पांच क्षण एक काष्ठा या चार सेकंड, ये बराबर है। अब कहते हैं पंद्रह काष्ठा का एक लघु होता है, पंद्रह काष्ठा का एक लघु होता है, चाहे एक लघु कहें या एक मिनट कहें, बराबर हो गया। एक लघु एक मिनट बराबर हो जाती, मिनट हो जाती। पंद्रह लघुओं की एक नाटिका होती है, नाटिका माने दंड, पंद्रह लघुओं का एक दंड होता है, यानी वो पंद्रह मिनट का समय हो जाता है। यही और आप देख सकते हैं इसी तरीके से पल विपल की और चर्चा है ना, कि ढाई पल का, ढाई पल जो होते हैं उसको एक सेकंड कहते हैं, ढाई पल को एक सेकंड कहते हैं, और ढाई घटी को एक घंटा कहते हैं, ढाई विपल को एक सेकंड कहते हैं, ढाई विपल को एक सेकंड कहते हैं, ढाई पल को एक मिनट कहते हैं, और ढाई घटी को एक घंटा कहते हैं। यूं समझ जाइए, ये अलग शब्दों की गणना है, ये अभी मैं बतला रहा हूं जैसे मैं भागवत जी के अनुसार बतला रहा हूं। तो दो नाडियों का एक मुहूर्त तो होता है, तो पंद्रह लघुओं का एक दंड कहिए, पंद्रह लघुओं का एक दंड या पंद्रह मिनट कहिए, एक बात है। तो दो नाडिकाओं का एक मुहूर्त होता है, यहां जो मुहूर्त की बात है, यहां जो गणना में, ये तीस मिनट के मुहूर्त की बात है, और ज्योतिष में जो मुहूर्त की चर्चा होती है वो अड़तालीस मिनट का एक मुहूर्त होता है। वहां श्रीमद भागवत में जो मुहूर्त शब्द आया है ये तीस जो है मिनट का है, क्योंकि आगे कहेंगे कि छह मुहूर्तों का एक जो है प्रहर होता है, तो छह मुहूर्त में तीन घंटे बन जाएंगे, तीन घंटे का एक प्रहर होता है। अगर इसको 48 मिनट कर देंगे तो फिर वो जो है आठ प्रहर दिन में हो नहीं पाएंगे, इस दृष्टि से ये बात बतलाई गई है। तो लिखा छह मुहूर्तों का एक प्रहर होता है, यानी तीन घंटे का एक प्रहर हो जाता है, और आठ प्रहरों का एक दिन रात हो जाता है, और पंद्रह दिन रात का एक पक्ष होता है, और दो पक्षों का एक जो है महीना हो जाता है। तो हमारा जो महीना है ये पितृलोक का एक दिन रात है, हमारा जो शुक्ल पक्ष है वो पितरों की रात्रि है, हमारा जो कृष्ण पक्ष है उल्टा है, वो पितरों का दिन है। तो हमारा एक महीना पितरों का एक दिन रात अहोरात्र है। इसी तरीके से दो महीने मिलकर के हमारी एक ऋतु बन जाती है, इसी तरीके से बारह महीने हैं और दो दो महीने की एक एक ऋतु, तो छह ऋतु हो जाती हैं एक वर्ष में, और इन छह ऋतुओं को मिलकर के, बारह महीनों को मिलकर के एक वर्ष होता है। और आप देखेंगे कि इसी के बीच में आयन हो जाते हैं, वर्ष का दक्षिणायन उत्तरायण दो भाग है, छह छह महीने का। तो हमारा ये जो वर्ष है, तो हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन है, छह महीने तक उनकी रात्रि, छह महीने तक हमारे छह महीने में उनका दिन। तो एक वर्ष हमारा पूरा, यानी देवताओं का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन। तो अब देवताओं का एक वर्ष कब होगा,
तो हमारे 360 वर्ष जब हो जाएंगी तब देवताओं की एक वर्ष होगी। तो ये दिव्य वर्ष है हमारी 360 ये वर्ष है जो ये मानव वर्ष है, और देवताओं की जो हमारे 360 का एक वर्ष होता है वो दिव्य वर्ष कहलाता है, दिव्य समय। तो यानी कि हमारा एक वर्ष, मानव का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, दिव्य एक दिन बोल जाता है। तो देवताओं का इसी तरीके से 1000 दिव्य वर्ष हमारा एक कलयुग है। हमारा जो कलयुग की आयु है, जो अभी कलयुग चल रहा है, इस कलयुग की आयु देवताओं के हिसाब से देखें तो देवताओं का 1000 वर्ष है, हमारा 432,000 वर्ष का ये मानव वर्ष है, और देवताओं का 2000 वर्ष हमारा द्वापर युग, द्वापर युग जो हमारा है वो देवताओं के 2000 वर्ष है, यानी कि 864,000 का, और देवताओं के जो 3000 वर्ष है उसी का हमारा त्रेता युग है, 12,96,000 वर्ष का, और ये जो है देवताओं का जो 4000 वर्ष का हमारा सतयुग है, 17,28,000 वर्ष का ये है। इसी प्रकार चारों युगों का मिलकर के हमारे यहां 43,20,000 वर्ष मानव वर्ष से ये होता है, और देवताओं के 12,000 वर्ष, देवताओं के 12,000 वर्ष हमारे यहां 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युगी होती है, चारों युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब चारों एक बार निकल जाते हैं तो उसको एक चतुर्युगी कहते हैं, वो चतुर्युगी कहलाती है। अब ऐसी चतुर्युगी जब 71 बार और 71.5 मान लीजिएगा, 71 से कुछ अधिक जब बार निकल जाती है तब जो है एक मनवंतर होता है, यानी कि एक मनवंतर का, और 14 मनवंतर ऐसे निकल जाते हैं तो एक कल्प होता है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, 14 मनवंतर। तो 14 मनवंतर में यानी 1000 चतुर्युगी, चारों युग 1000 बार निकल जाते हैं तो एक कल्प होता है, चाहे चारों युगों को 1000 बार निकलना कहिए, चाहे 14 मनवंतरों का निकलना एक बार कहिए, एक ही बात है। तो इतने वर्ष बाद, इतने दिन बाद ये जो है चारों युगी 1000 बार निकल जाए तब कहलाता एक कल्प, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो एक कल्प तक ब्रह्मा जी का दिन और एक कल्प तक ब्रह्मा जी की रात्रि। तो दिन में तो ब्रह्मा जी अपना काम करते यानी सृष्टि करते हैं, तो भू भुव स्व ये तीन लोकों में सृष्टि रहती है, और फिर जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो यहाँ नैमित्तिक प्रलय हो जाती है ना, ब्रह्मा जी की निद्रा को मान कर निमित्त मान करके जो प्रलय होती है वो नैमित्तिक प्रलय कहलाती है, तो फिर यहाँ तीन लोकों में सृष्टि नहीं रहती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन निकला, फिर ब्रह्मा जी की एक रात्रि, फिर ऐसे ही ब्रह्मा जी का एक वर्ष है ना, एक महीना वर्ष, ये सब उनके हिसाब से चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी की जो आयु है वो ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 वर्ष की है। अभी ब्रह्मा जी जो है वो 50 वर्ष के होकर के 51वें वर्ष में चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के जो 100 वर्ष की आयु है उसके दो नाम है, दो विभाजन है, 50 वर्ष की पूर्वार्ध 50 वर्ष और उत्तरार्ध 50 वर्ष। तो पूर्वार्ध के 50 वर्ष का नाम है प्रथम परार्ध, और दूसरी वाली जो है वो द्वितीय परार्ध, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूरी आयु को एक पर कहते हैं, तो पर का आधा परार्ध और दूसरा आधा द्वितीय परार्ध। तो ब्रह्मा जी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय परार्धे, दूसरे पर के आधे हिस्से में वो चल रहे हैं, यानी 51वें वर्ष में चल रहे हैं। तो और ब्रह्मा जी का दिन है, तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, ये सब स्थिति है। इस तरीके से फिर और भी आगे काल की गणना है ना,
विष्णु शिव इत्यादि के दिनों की चर्चा है, तो जगदम्बा के काल की चर्चा है। तो इस तरीके से काल तो भगवत स्वरूप है, तो अनंत है, इसकी कोई था नहीं है और गणना में भी कोई था नहीं है। इस तरीके से ये विवरण है। और भी कुछ शब्दों में पुराणों के भेद से, गणना के भेद से, इस तरीके से इनके नामों में भी अंतर है। कहीं किसी रूप में कहा गया है, कहीं किसी रूप में कहा गया है, कहीं उसका नाम कुछ है, कहीं कुछ नाम है, इस तरीके से भी अंतर है। और बाकी का ये सब समझना ये आवश्यक है, इससे ही अर्थ निकलेंगे। जहाँ भी शास्त्रों में इस तरीके से काल की गणना की गई है तो वो हम लोग समझ सकते हैं। और भी कहीं कोई काल की गणना है, बहुत विस्तार है, इसलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न था। लोग हमारी प्राचीनता को समझें, माने, जाने, ये तो भगवान का स्मरण ही है। काल माने भगवान स्वयं श्री हरि, तो किसी भी रूप में उनका स्मरण किया जाए, स्मरण ही है। संकल्प में और क्या होता, देश और काल की गणना की जाती है। तो काल और देश सब भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत, संसार में जो भी कुछ है वो भगवान श्री हरि ही है, तन्मय है, भगवानमय है, इसलिए ये भी भगवानमय ही है। इसको विचार करें, स्मरण करें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर कोई और कुछ पूछना हो, और कोई प्रश्न हो, या कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, हर हर महादेव।